हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट नेटवर्क। तो दोस्तों, आईपीएल 2020 के लीग मैचेस हो चुके हैं ख़त्म और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर्स की टीम ने लीग मैच खत्म किए हैं नंबर चार पे। यानी कि गाइस, अब आरसीबी की टीम कल के मैच के बाद आ चुकी है नंबर चार पे। और आज आरसीबी की टीम की तरफ से तीन बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है जो कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गाइस, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि गाइस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइस, बिना टाइम गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अब बात करते हैं पहली बड़ी खबर के बारे में जो कि आरसीबी की तरफ से निकल के आई। तो ये खबर है दोस्तों आरसीबी के एलिमिनेटेड मैच को लेके। तो गाइस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मैच अब होने वाला है सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ, जो खेला जाएगा 6 नवंबर को। कल गाइस हमने देखा सनराइजर हैदराबाद की टीम ने नंबर वन मुंबई इंडियंस की टीम को बहुत ही बड़े अंतर से 10 विकेट से दी मात। और अब सनराइजर हैदराबाद की टीम भिड़ेगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम से। तो काफ़ी बढ़िया ये टक्कर होने वाली है दोनों टीमों के बीच। और आरसीबी की टीम के लिए ये मैच जीतना नहीं होगा उतना आसान। और गाइस, सनराइजर हैदराबाद का रन रेट आरसीबी की टीम से काफ़ी बेहतर है, जिसकी वजह से सनराइजर हैदराबाद की टीम नंबर तीन पे पॉइंट टेबल में मौजूद है और आरसीबी की टीम है नंबर चार पे। लेकिन गाइस, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों के बीच खेला जाएगा एलिमिनेटर। जो जीता वो जाएगा क्वालिफाई टू के लिए और जो हारा वो सीधा हो जाएगा टूर्नामेंट से बाहर। यानी कि गाइस, अब आरसीबी की टीम को लगातार 3 मैच जीतने पड़ेंगे अगर आईपीएल 2020 की ट्रॉफी जीतनी है तो। और वो 3 मैच जीतने पड़ेंगे सनराइजर हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस से। इन तीनों अपोनेंट्स को आरसीबी की टीम को हराना होगा, जो कि उतना आसान होने वाला नहीं है, बहुत ही बड़ा मुश्किल काम होने वाला है। लेकिन गाइस, आरसीबी की टीम ये कर सकती है। अब गाइस, बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर के बारे में जो कि निकल के आई है आरसीबी की टीम की तरफ से। और ये खबर दोस्तों जुड़ी है एबी डिविलियर्स के बयान को लेके। तो गाइस, कल एबी डिविलियर्स ने बयान दिया जहां उन्होंने बताया कि वो अगर 4 मैचेस लगातार रो में हार सकते हैं तो वो 3 मैचेस लगातार जीत भी सकते हैं। एबी डिविलियर्स ने दोस्तों ये बताया कि आरसीबी की टीम लगातार 4 मैच हारी है, लेकिन आरसीबी की टीम ये क्षमता भी रखती है कि वो लगातार 3 मैच जीते और बन जाए आईपीएल 2020 चैंपियन। लेकिन गाइस, ये आरसीबी की टीम के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होने वाला है। अगर गाइस मैं अपनी बात करूं तो मुझे टॉप 4 में जो सबसे ज्यादा वीक टीम नजर आ रही है वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम। क्योंकि गाइस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने अपने लास्ट 4 मैचों में 4 हार का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम पॉइंट टेबल पे सबसे वीक नजर आ रही है। और अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम 4 में से 1 मैच भी जीतती तो आरसीबी की टीम अभी पॉइंट टेबल पे नंबर 2 पे मौजूद होती। तो गाइस, यहाँ पे 1 जीत की वजह से आरसीबी की टीम नंबर 4 पे अभी मौजूद है। अब गाइस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को कुछ करिश्मा करके दिखाना होगा अगर जीते आईपीएल 2020 की ट्रॉफी। तो आपको गाइस क्या लगता है, क्या आरसीबी की टीम एसआरएच की टीम को एलिमिनेटर में हरा पाएगी या एसआरएच की टीम जीतेगी आरसीबी की टीम से? आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर बताना। अब गाइस, हम बात करते हैं अपनी तीसरी बड़ी खबर के बारे में जो कि निकल के आई है आरसीबी की टीम की तरफ से। और यह खबर दोस्तों जुड़ी है नवदीप सैनी की इंजरी को लेकर। तो गाइस, नवदीप सैनी अब हो चुके हैं पूरी तरीके से फिट। पिछला मैच दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ नवदीप सैनी ने किया था मिस और उस वक्त दोस्तों ने उतनी भारी इंजरी थी नहीं, उन्होंने 1 मैच के लिए रेस्ट लिया था। और आरसीबी की टीम का ये प्लान भी था कि हम नवदीप सैनी को 1 मैच में रेस्ट देंगे और उसके बाद एलिमिनेटर जब आरसीबी की टीम को नवदीप सैनी की जरूरत होगी तब आरसीबी की टीम नवदीप सैनी को सही तरीके से इस्तेमाल करे और खेलने का उन्हें मौका मिले। तो अब नवदीप सैनी हो चुके हैं फिट एंड फाइन और वो खेलने वाले हैं सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ 6 नवंबर को। तो गाइस, नवदीप सैनी अब आने वाले हैं प्लेइंग 11 में और ये जगह लेंगे मोहम्मद सिराज की। क्योंकि गाइस, शाहबाज अहमद काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस किया था लास्ट मैच में, जिसकी वजह से मोहम्मद सिराज की जगह इनको खिलाना काफ़ी बेहतर रहेगा। आपको गाइस क्या लगता है, ये किस प्लेयर की जगह खेलेंगे नवदीप सैनी? क्या मोहम्मद सिराज की जगह खेलेंगे या खेलेंगे शाहबाज अहमद की तरह? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो गाइस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है कि नवदीप सैनी हो चुके हैं एकदम फिट और अब ये खेलने वाले हैं आरसीबी की टीम की तरफ से सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ। तो गाइस, ये थी आरसीबी की टीम के लिए 3 बड़ी खबर जो कि निकल के आई आज। गाइस, आपको वीडियो कैसे लगी, आप वीडियो के बारे में अपना ओपिनियन जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और ऐसे ही डेली अपडेट्स पाने के लिए कर देना बेल आइकन को प्रेस। मिलते हैं गाइस अब अगली वीडियो में।